नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि राज के हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई एक नई सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों का एक नया सर्टिफिकेट यहां पे जारी किया गया है, जो कि देश के सभी नागरिक के लिए और सभी संगठन के लिए आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया है। इस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी और कोई भी चार्ज आप लोगों को इसमें पे नहीं करना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कहाँ से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, कहाँ पे क्या फिल करना होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से आप लोग का अलग अलग यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, तो अभी जो है आप लोग का विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि आप लोग का केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से जो है नया सर्टिफिकेट यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये सर्टिफिकेट सभी नागरिक बनवा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको करना क्या है, गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो इस वेबसाइट पे चले आना है। उसको थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पे लेटेस्ट अपडेट का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, फ्री गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पे पोस्ट नहीं मिलता है तो आप लोग को थोड़ा सा नीचे चेक करना है, या फिर यहाँ पे जो है आप लोग को फ्री गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लिखकर सर्च करना है तो आप लोग को पोस्ट मिल जाएगा। पोस्ट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में कॉमेंट में भी मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने जो पूरा जानकारी दे रखा है आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन है, फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिक है पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वाला वेबसाइट है वो आप लोग का ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे चाहे तो आप खुद का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बना सकते हैं, साथ में अगर आप किसी संगठन का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जो है बना सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे सिटीजन हूं तो यहाँ पे जो ये वाला मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम में आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आप श्री श्रीमती जो भी आप यहाँ पे लगाते हैं वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे अपना पहचान पत्र यानी कि यहाँ पे जो है आप पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, वोटर आईडी और कुछ भी यहाँ पे जो है आप लगा सकते हैं वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अपना नंबर यहाँ पे डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, पिन कोड आप लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे आप यहाँ पे जो पिन कोड डालिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जो पिन कोड डालकर दिखा देता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डालिएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग का जो यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोग यहाँ पे ले लिया जाएगा, आप लोग को भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आप लोग को अपना एक मोबाइल नंबर जो है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे भाषा के चयन के लिए आगे बढ़ने पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो मैं जो सारा कुछ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, सेकंड आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आता है आप लोग का लैंग्वेज का, यानी कि आप जो किस लैंग्वेज में अपना यहाँ पे बनवाना चाहते हैं वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरा हिंदी है तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रतिज्ञा पढ़िए पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्यों आप लोग का ये जो है बनवाया जा रहा है, किस लिए आप लोग का बनवाया जा रहा है और क्या क्या आप लोग का प्रतिज्ञा यहाँ पे लेना है, वो सब कुछ आप लोग का पे पूरा अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आप लोग को जो है ये प्रतिज्ञा पढ़ लेना है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लोग का बताएगा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत लूंगा ना ही रिश्वत दूंगा। ये सब आप लोग को यहाँ पे जो है अपना पढ़ना है, यही सब आप लोग यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को इसको टिक करना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे आप लोगों का पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपको जो इस सर्टिफिकेट के बारे में कहां पे जानकारी मिला, कहां से आपने जो इस सर्टिफिकेट के बारे में जाना है। तो यहां पे आप लोगों को डिजिटल मीडिया सेलेक्ट करना है और यहां पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप लोगों को यहां पे डालना है। तो मेरे यहां पे ओटीपी आ चुका है, तो मैं जो यहां पे ओटीपी डाल लेता हूं। ओटीपी डालने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहां पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके से यहां पे जेनरेट हो जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे मेरा जो सर्टिफिकेट है वो यहां पे जेनरेट हो चुका है, साथ में मेरा जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो हमारे यहां पे जो मैसेज के थ्रू भी यहां पे मिल जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र अपने मोबाइल पर भेजें, तो यहां पे आप क्लिक कीजिएगा तो मैसेज के थ्रू आप लोगों का जो यहां पे सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पे प्रमाण पत्र डाउनलोड करने पे आप क्लिक कीजिए तो आप लोगों का यहां पे जो सर्टिफिकेट है वहां पे कुछ इस तरीके से यहां पे जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे मेरा सर्टिफिकेट यहां पे डाउनलोड हो चुका है। और यहां पे आप देख पाओगे दोस्तों और भी आप लोगों का जानकारी दिया गया, जैसे कि यहाँ पे प्रतिज्ञा डाउनलोड करें, यानी कि आपने जो यहाँ पे प्रतिज्ञा लिया है, जो आपने यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया है वो आप लोग को यहाँ पे जो डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पे
जो अपने ईमेल पे भी अपना जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है आप उसको मंगवा सकते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करवाकर आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं और भी अन्य जगहों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तक के लिए धन्यवाद।